इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की फिल्म द मैन हु सोल्ड हिज स्किन के बारे में, जो आर्टिस्ट विम डेलवॉय की सच्ची कहानी से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जिसने टिम नाम के एक आदमी की पीठ पर टैटू बनाया था और उसे अलग अलग म्यूजियम्स में एक मूर्ति की तरह दिखाया गया था और टिम को 2008 में एक आर्ट कलेक्टर ने खरीद लिया था। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म जन म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सीरिया में रह रहा आदमी सैम अली अबीर नाम की एक अच्छे घराने की लड़की से प्यार करता है। वो दोनों ही साथ रहना चाहते हैं, पर अबीर को डर है कि उनके रिश्ते के बारे में उसके परिवार को पता चल जाएगा। वो अबीर की शादी जियाद नाम के एक आदमी से कराना चाहते हैं, जो बेल्जियम में एम्बेसी में काम करता है। पर अबीर ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि वो सिर्फ सैम के साथ खुश है। पर जब एक दिन सैम ने सबके सामने ये कहा कि वो आजादी से प्यार करना चाहता है, तो उसकी बात को गवर्नमेंट के एक आदमी ने ऐसे पेश किया जैसे कि वो सीरिया में गवर्नमेंट से आजादी पाना चाहता है, और फिर उसे जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। पर सैम को बचाने के लिए उसे उसके कजिन ने छिपाकर जेल से भगा दिया। जेल से वो सीधे अबीर के पास गया, उसे ये बताने कि अब वो सीरिया में नहीं रह सकता। उसकी मदद करने के लिए अबीर ने जियाद से मदद मांगी, पर उसने कुछ भी करने से इनकार कर दिया और सैम को अपनी बहन की मदद लेनी पड़ी, जो उसे सीरिया से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। सैम ने बॉर्डर पार तो कर लिया, पर अब वो एक रेफ्यूजी बन चुका था जिसे सीरिया की पुलिस ढूंढ रही है। वो अब बेरूत में रह रहा था और इस बात को एक साल बीत गया था, पर वो अब भी अबीर के बारे में ही सोच रहा था। गरीबी और भूख की वजह से परेशान सैम अपने दोस्त के साथ मुफ्त की चीजें खाने उस शहर में हो रहे आर्ट एग्जीबिशन में जाया करता है। पर एक रात एग्जीबिशन में काम कर रही एक औरत को समझ आया कि सैम एक रेफ्यूजी है और खाना ढूंढने वहाँ आया है, पर उसे वहाँ से निकालने के बजाय उसने सैम को एग्जीबिशन के बाद रुकने के लिए कहा, ताकि वो उस एग्जीबिशन का बचा हुआ खाना सैम को दे पाए। उसकी ये बात सुनकर सैम को बुरा लगा और वो उसे गाली देकर वहाँ से चला गया, क्योंकि वो औरत उसे एक भिखारी समझ रही थी। और तब सैम से मिलने जेफरी नाम का एक आर्टिस्ट आया, जो उसे अपने साथ ले गया और उसकी जिंदगी के बारे में उससे पूछने लगा। जेफरी ने सैम से कहा कि वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड अबीर के पास बेल्जियम जाने में मदद करेगा, पर उसके बदले उसे सैम से कुछ चाहिए। पर सैम को हैरानी हुई ये जानकर कि उसे सैम की पीठ चाहिए। ये बात जब उसने अपने दोस्त को बताई तो उसे लगने लगा कि जेफरी उसका फायदा उठाने वाला है, पर फिर सैम ने उसे बताया कि जेफरी कितना मशहूर आर्टिस्ट है। सैम ने उसके ऑफर को अब तक मंजूरी नहीं दी थी, पर अबीर से बात करते हुए उसने जियाद को उसके साथ देख लिया और तब वो जल्द से जल्द अबीर के पास जाने के बारे में सोचने लगा। इसीलिए अगले दिन वो जेफरी से मिलने उसके घर गया। वहाँ उसे सोराया मिली, जिसने सैम की एक लॉयर से बात करवाई और उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सैम के लिए वीजा बनवाया जाएगा और उसे हर एग्जीबिशन के बाद पैसे दिए जाएंगे, और उसका काम होगा अपनी पीठ को जेफरी के कैनवस में बदलना, और सैम की पीठ पर जेफरी अपनी पेंटिंग्स टैटू के रूप में बनाएगा। जेफरी ने सैम की पीठ पर वीजा बनवा दिया था, और वो वीजा बनाने का उसका मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को पता चले कि रेफ्यूजीज को एक देश से दूसरे देश जाने में कितनी तकलीफ होती है और उनका अपना कोई घर नहीं होता। सैम की पीठ को एक वीजा में बदलकर वो उसके शरीर को एक एक्सेसरी बनाकर कहीं भी अपने साथ ले जा सकता है, और अपना असली वीजा पाकर सैम बहुत खुश हुआ। पर वीजा और पैसे मिलने के बाद भी सैम का मजाक बनाया जा रहा था और ये बात उसे पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद सोराया के साथ सैम बेल्जियम गया, और वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसने ये बात अबीर को बतानी चाहिए, पर बहुत देर तक उसने सैम का कॉल रिसीव नहीं किया। जब बहुत देर बाद अबीर का कॉल आया तो सैम को पता चला कि जियाद जानता है कि सैम और अबीर एक दूसरे से अब भी बातें करते हैं। सैम की पीठ पर बनाए टैटू को प्रिंट कराने की तैयारी की जाने लगी, और साथ ही दुनिया भर में उसकी तस्वीरों के एड्स छपवाने की भी। पर सैम अब भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे की नहीं बल्कि सिर्फ उसके पीठ की कीमत थी, जिसे देखने हजारों लोगों की भीड़ आई थी। अब सैम एक इंसान नहीं बल्कि एक आर्ट पीस बन चुका था, जिसे एक मूर्ति की तरह बैठकर उन लोगों की बातें सुननी थी जो उसे देखने वहां आए हैं, और ना तो वो अपनी जगह से हिल सकता था और ना ही किसी से बात कर सकता था। उस रात सीरिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी सैम से मिलने आया, जिसने कहा कि सैम के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उसने कहा कि एक तरह से सैम अपना शरीर एक आर्टिस्ट को बेच रहा है और उसे इस तरह एक म्यूजियम में रखकर उसका और सीरिया के लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। यही बात सैम की माँ ने भी उससे कही,
और कहा कि वो सैम के इस काम से खुश नहीं। पर सैम किसी की भी नहीं सुनना चाहता था, वो सिर्फ और सिर्फ अबीर के बारे में सोच रहा था। और उससे मिलने के लिए उसने अबीर का एड्रेस ढूंढ निकाला। बहुत देर तक उसके घर के बाहर उसका इंतजार करने के बाद आखिरकार अबीर उससे मिली और वो दोनों ही अपने आंसू रोक नहीं पाए। सैम समझ गया था कि उसकी वजह से अबीर की शादी में तकलीफें आ रही है, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। पर जियाद ने उन दोनों को साथ देख लिया था और वो सैम को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। वो अबीर को लेकर उस म्यूजियम में आया जहाँ सैम भी है, और तब अबीर को पता चला कि सैम की नौकरी क्या है। जियाद अबीर के सामने सैम को शर्मिंदा करना चाहता था, और इस बीच उन दोनों में हाथापाई हो गई। झगड़े के बीच जियाद से 11 मिलियन यूरोस की पेंटिंग बर्बाद हो गई, जिस वजह से उन सबको पुलिस स्टेशन बुलाया गया, और क्योंकि सैम के साथ उसका लॉयर था उसे रिहा कर दिया गया। उस रात सैम से मिलने अबीर आई, पर उसके आने का मकसद कुछ और था। जियाद ने उसे वहाँ भेजा था ताकि वो सैम को मना सके और वो म्यूजियम वालों से बात करके जियाद पर लगे केस को हटा सके। सैम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि अपनी पत्नी को उसके पास भेजना जियाद की एक घटिया हरकत थी। पर अगले दिन उसने म्यूजियम के मालिक से उस केस को हटाने के लिए कहा, और कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ मिलकर म्यूजियम के खिलाफ आंदोलन में लग जाएगा। सैम वापस अपने घर सीरिया जाना चाहता था, पर सोराया ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उसे अपने साथ वापस म्यूजियम ले गई। इतना ही नहीं, उसने उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया ताकि वो कहीं जा ना पाए। सैम इन सब के बीच खुद पर ध्यान नहीं दे रहा था, और फिर जेफरी को पता चला कि सैम की पीठ पर पिंपल्स है, और अपनी कला को खराब होते देख वो सैम के पास आ गया और जल्द से जल्द उसने सर्जरी से वो पिंपल्स निकलवा दिए। सैम अबीर के सामने अपने आप को अकेला नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उसने उससे कह दिया कि सोराया उसकी गर्लफ्रेंड है, पर सच ये था कि वो बिल्कुल अकेला है और उसके आसपास उससे प्यार करने वाला कोई नहीं है। कुछ महीने बाद क्रिस्टियन वॉल्ट्स नाम के एक आदमी ने सैम को खरीद लिया, और इसलिए हर 3 महीने सैम को क्रिस्टियन के पास जाना होगा। वो वहाँ से निकलकर वापस अपने घर जाना चाहता था, पर उसकी माँ ने कहा कि सीरिया के लोग अब कैंप्स में रहने लगे हैं, इसलिए वो खुश है कि कम से कम सैम सुरक्षित है। और तब अपनी बहन से बातें करते हुए सैम को कुछ ऐसा दिखा जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सैम की माँ ने 1 साल पहले सीरिया में हो रहे धमाकों में अपने दोनों पैर खो दिए, और तब सैम को एहसास हुआ कि उसने कभी अपनी माँ से पूछा ही नहीं कि वो ठीक है या नहीं, और उसे ये भी एहसास हुआ कि अपने देश को तकलीफ में छोड़कर वो यहाँ आराम की जिंदगी जी रहा है। सैम को एक रईस आदमी को बेचना एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, पर उसे कला की दुनिया में एक पेंटिंग की ही तरह देखा जा रहा था, और इसीलिए इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पूरी बात को 9 महीने बीत गए थे और सैम की फिर से नीलामी हो रही थी, पर अब सैम ये सब कुछ सह नहीं पाया और उसने सबको दिखाया कि वो कोई कैनवस नहीं बल्कि एक इंसान है। उसने एक सुसाइड बॉम्बर होने की एक्टिंग की और उन रईस लोगों को डराकर वहां से भगा दिया जिनमें इंसानियत ही नहीं है। ऐसा करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार एक बंदी बनने के बाद उसे आजादी महसूस हुई। जेल में उससे मिलने जेफरी का लॉयर आया और उसके साथ एक ट्रांसलेटर आई जो कोई और नहीं अबीर थी। अबीर ने ट्रांसलेशन के बहाने उसे बताया कि उसने जियाद को छोड़ दिया है और वो अब सैम के साथ ही रहना चाहती है। सैम के केस की सुनवाई हुई जहां कोई सबूत ना होने की वजह से सैम को बाइज्जत बरी कर दिया गया, और फिर सैम को वो मिल गया जो उसे हमेशा से चाहिए था। उसे बताया गया कि उसका वीजा एक्सपायर हो चुका है जिसकी वजह से वो अब एक इलीगल इमिग्रेंट है और उसे 48 घंटों में इस देश को छोड़कर जाना होगा। ये बात सुनकर सैम कई दिनों बाद खुश हुआ, और जाते जाते उसने सोराया से कह दिया कि वो यहाँ अब एक और दिन भी नहीं रुकेगा। सोराया उसे रोकना चाहती थी, पर जेफरी चाहता था कि सैम अब आजाद हो जाए। वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने खुद गया, जहाँ पहुँचने पर सैम ने जेफरी और सोराया को बताया कि वो अपने गाँव जाएगा जहाँ वो दुनिया की नजरों से दूर रहे, और अंत में अबीर के साथ वो अपने गाँव रक्का चला गया। पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि आइसिस के लोग भी जानते थे कि सैम असल में है कौन, और उन्होंने उसे मारकर उसकी पीठ की चमड़ी ब्लैक मार्केट में बेच दी, और ये बात जेफरी को बताई गई। अब उस चमड़ी को नेशनल म्यूजियम में लगाया जाने वाला है, पर दुनिया के सामने दिखाया गया ये सच
असल में सच नहीं, जेफरी का एक खेल है। सैम का सचमुच आजाद होने के लिए दुनिया के सामने मरना जरूरी था और इसलिए एक नकली वीडियो बनाकर सैम को मरा हुआ घोषित कर दिया गया और एक लैब में सैम के डीएनए की मदद से एक नकली चमड़ी बनाई गई जो बिल्कुल उसकी असली पीठ की तरह है। और ये सब कुछ करके जेफरी ने दुनिया की नजरों से सैम को आजाद भी कर दिया और अपनी खुद की पहचान को भी गुम होने से बचा लिया और सैम अबीर के साथ अपनी एक नई दुनिया बसाने चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।